जय हिंद एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेव क्या होती है, वेव का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वेव के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, वेव कितनी तरीके की होती है, इन सभी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बेसिकली अब हमारे पास जो वेव जो होती है, सुनिएगा ध्यान से। अब जैसे ही मैंने आपके सामने नाम लिया वेव, तो आपके मन में क्या सवाल आया कि सर वेव जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर है बात? अब जब मैंने आपको बोला वेव, तो ये वेव मेरे पास कौन सी वेव हो सकती है? ये वाली वेव मेरे पास हीट वेव हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, मैकेनिकल वेव हो सकती है। तो इन सभी बातों का जवाब जो दिया था वो हमारे पास डिफरेंट तरीके के जो साइंटिस्ट आए थे उन सभी ने हमारे पास वेव को डिफाइन करा। जैसे आपने हाइगेंस का नाम सुना होगा, हाइगेंस हो गए आपके, मैक्सवेल हो गए, माइकल हो गए, मॉर्ले हो गए, इन सभी साइंटिस्टों का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि कॉर्पस्कुलर्स हो गए। तो इन सभी ने वेव को डिफाइन अपने अपने तरीके से करा, बट इन सभी का रिजल्ट क्या था? इन सभी का रिजल्ट सेम था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा कि सर हमारे पास वेव क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, कि सर वेव का फॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो वेव क्या होती है, वेव इज अ डिस्टरबेंस, वेव इज अ डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इन विच ईच पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस। इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि सर ये जो है आपके पास एक स्टेशनरी वॉटर है, आपने क्या करा इसके अंदर ये स्टोन लाकर फेंक दिया, मतलब आपने क्या करा इसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करा, तो इस वाटर के अंदर, इस स्टेशनरी वाटर के अंदर क्या होने लगी, वेव का फॉर्मेशन होने लगा। क्लियर? अब मैंने कहा कि सर मेरे पास ये कोई एक फिक्स्ड एंड था और ये इस पर्सन ने इस स्ट्रिंग को इस तरीके से इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करा। जैसे ही ये पर्सन जो होता है इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो होगा क्या, सपोज दैट मैंने कहा आपने एक रिंग यहां पर बांध रखी थी, ठीक है, तो ये रिंग जो होगी कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी। मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि सर हमारे पास जो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, बट क्या मेरे पास वेव का जो पार्टिकल था क्या उसने अपनी पोजीशन को, या मैं बोल सकता हूं जो रोप का जो पार्टिकल था क्या उसने अपनी पोजीशन को चेंज करा क्या, नहीं। यानी कि यहां पर विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस। क्लियर है बात? अब बात आती है कि सर हमारे पास वेव जो होती है वो कितनी तरीके की वेव होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सर वेव का फॉर्मेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं क्या, नहीं। वेव के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सर वेव का फॉर्मेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने कहा कि सैली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है आपके पास इनर्शिया। इनर्शिया अगर मीडियम के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी, अर्थात अगर उसके अंदर मास होगा तभी वो एनर्जी को स्टोर कर सकती है, तभी उसके अंदर क्या होगा, वेव का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। सेकेंड थिंग, यहां पर मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि सर सपोज दैट मेरे पास ये कोई एक स्टेशनरी वाटर था और ये था आपके पास हनी। जब आपने हनी के अंदर वो स्टोन को फेंका और एक बार आपने स्टोन को नॉर्मल वाटर के अंदर फेंका, तो हुआ क्या कि सर हमारे पास जो हनी था उस पर हमने वेव का फॉर्मेशन अच्छी तरह से विजुलाइज नहीं हुआ। मतलब क्या था, यहां पर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा था। मतलब एक जो लेयर थी वो दूसरी वाली लेयर को
अच्छी तरीके से पकड़कर बैठी हुई थी, मतलब यहां पर कोहेसिवनेस ज्यादा थी, तो यहां पर हम वेव का फॉर्मेशन इजिली नहीं कर पाए। तो इसके लिए यहां पर हमारे पास एक कंडीशंस होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है आपके पास इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इट विल रिगेन इट्स पोजिशन, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम आपके इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से यहां पर बात को, मैंने कहा कि सर मेरे पास ये जो वेव होती हैं वो कितनी तरीके की वेव होती हैं, तो वेव जो होती हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई करा गया है। जैसे पहली जो है वेव है उसका नाम है आपके पास मैकेनिकल वेव, तो इस वीडियो में हम मैकेनिकल वेव का ही पार्ट वन जिसे हम बोल रहे हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल वेव के ट्रांसफर के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सब फर्स्ट जो वेव है उसका नाम है आपके पास ट्रांसवर्स वेव। अब बात आती है कि सर व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव को समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। यस, इधर देखिएगा, मैंने कहा कि सर व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो पार्टिकल होता है मीडियम का वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर मोशन करता है। देखिएगा यहां पर मूव पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ प्रोपेगेशन, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है, आप देख सकते हो यहां पर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन कर रहा है एक मीन एक्सिस के अबाउट, तो इस प्रकार के मोशन को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं कि सर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जो होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, कि सर जैसे मैंने कहा कि सर मेरे पास यहां पर वाई जो रिप्रेजेंट करता है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, सुनिए ध्यान से, वाई रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि सर मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, मैंने उसको कुछ इस तरीके से उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करा, जब मैं उसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से दे रहा हूं वाई डायरेक्शन में, पर बॉडी कहां जा रही है, वेव कहां जा रही है, आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में, तो इस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्स वेव, वाई बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। यहां पर एक एक वर्ड को मैंने डिफाइन करा है, आप देख सकते हो a यहां पर एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी होती है, और k यहां पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है जिसे हम तरंग संचरण नियतांक के नाम से जानते हैं। इसकी वेलोसिटी ये किस तरीके से होगा, ओमेगा अपॉन v। आप ओमेगा को इस किस तरीके से लिख सकते हो, 2 पाई n, और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है n लैम्डा, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट का आपके सामने फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ वेव मैंने आपको बताया कि सर हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। एक वर्ड और यहां पर सुन लीजिए कि सर अगर हमारे पास वेलोसिटी होती है तो उस वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, ये भी सुन लीजिए, v बराबर n लैम्डा, यहां पर n फ्रीक्वेंसी होती है, और लैम्डा क्या होता है बच्चे, यहां पर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब जब मैंने आपको वेव की ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन बताई, क्या बताई, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब हम इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं।
देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि सर सपोज दैट मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर वन है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगर मैंने आपसे बोला कि सर यहां पर जो हमारे पास वेव जो है वो क्या है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। जैसे अब आप देख सकते हो यहां पर कि सर हमारे पास इक्वेशन यहां पर कुछ इस तरीके से दी है, आपको क्या चाहिए, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेव की वेलोसिटी क्या होती है, अभी बताया था सर मैंने आपको, के बराबर क्या होता था, जल्दी बोलो, ओमेगा अपॉन वी। तो यहां से वी बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन के। और इस इक्वेशन को कैसे रिलेट करा था, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, के का मान 100 है, ओमेगा का मान 300। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिएगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर हमें फ्रीक्वेंसी का मान बता दीजिए जब इक्वेशन ऑफ वेव दी गई हो। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखिए यहां पर सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि सर इस इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो आप देख सकते हो ओमेगा की वैल्यू यहां पर कितनी आई है, 628। हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n, that is equal to 628। यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू आप सभी को पता होती है, कितनी होती है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय n, that is equal to 628। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 628 से 628 कैंसल आउट हो जाएगा, आपके सामने आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर विल बी 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि सर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो कि सर मेरे पास लाइट वेव जो होती है वो हमारे पास किसका एग्जांपल होती है, लाइट वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होती है। क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगर एक स्टोन को मैं क्या करता हूं, नॉर्मल वाटर के अंदर डिप करता हूं, तो उस टाइम आपके पास सरफेस पर कौन सी वेव का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिफ्थ क्वेश्चन जो आएगा वो क्या है आपके सामने, ट्रांसवर्स वेव जो होती है उसमें हमारे पास पार्टिकल जो होता है वो कैसे मोशन करता है, इसी वीडियो में बताया था मैंने आपको, कैसे करता है, परपेंडिकुलर मोशन करता है। तो यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि सर हमारे पास जो पार्टिकल मोशन करेगा वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर मोशन करेगा। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सर वेव जो होती है वो कौन सी वेव होती है सरफेस पर, सरफेस पर जो वेव होती है आपको पता था कौन सी वेव होती थी, हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती थी, और सॉलिड और लिक्विड के केस में। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। सेवंथ क्वेश्चन आपको सुनिएगा, यहां पर सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर हमारे पास एक इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और आपसे कहा है कि सर हमें वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए। अभी बताया था बिल्कुल डायरेक्ट, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रेबो ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सर कौन सी वेव को पोलराइजेशन करा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, सुनिए ध्यान से, अगर हम किसी भी वेव की बात करते हैं तो सर किसी भी लाइट को अगर मैं क्या करता हूं, नॉर्मली वेव जो है यहां पर हमारे पास दोनों तरीके से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जब मैं इसको एक टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, क्या होता है इसका नाम, टूरमैलिन क्रिस्टल, जब मैं इसको एक टूरमैलिन क्रिस्टल से पास कराता हूं तो हमारे पास ओनली वही वेव बाहर निकलती है जो मीडियम के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस वेव को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हमारे पास होगा ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने नाइन्थ,
नाइन्थ है सोनोमीटर में जो वेव होती है वो भी कौन सी वेव होती है आपके पास ट्रांसवर्स वेव ही होती है। सोनोमीटर कुछ इस तरीके से डिवाइस होती है, आपने देखा होगा कि जो जिसे हम लकड़ी का बुरादा उतारते हैं ना छिलका, वही इसी तरीके की डिवाइस होती है। इसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, जब स्ट्रिंग आ जाएगा वर्ड तो हमारे पास कौन सी वेव हो जाएंगी, हमारे पास ट्रांसवर्स वेव हो जाएंगी। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी वो आएगी आपकी पार्ट नंबर 2, और ये जो पार्ट नंबर 2 होगा ये हमारे पास किस पर बेस्ड होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव पर बेस्ड होगा। इसमें जितनी भी हमने बात करी है वो सब आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।